देखिए, जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि आपको 10 दिन की छुट्टियां अप्रूव हुई थी, लेकिन पर्सनल रीजन की वजह से या इमरजेंसी की वजह से आपने 15 दिन से ज़्यादा की छुट्टी ले ली। अब यहाँ पर आप कंपनी से बात कर रहे हैं तो कंपनी आपको कह रही है कि आप एब्सपॉन्डिंग है। तो यहाँ पर मैं अपनी राय देना चाहूँगा, आई होप ये आपको हेल्प करेगी। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब 10 दिन से ज़्यादा की छुट्टी आपने ली, तो क्या आपने कंपनी को इन्फॉर्म किया ओवर ईमेल कि आपको ज्यादा दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि आपका काम जो है वो पेंडिंग ही है? क्या आपने ऐसा किया था? क्या आपके पास कोई रिटन रिकॉर्ड है इस चीज का? अगर नहीं, तो याद रखिए कि जो कंपनी होती है, स्पेशली जब वो लीव पॉलिसी बनाती है, तो अगर आप उसकी लीव पॉलिसी को नहीं मानते तो ये एक तरीके का ब्रीच माना जाता है, मतलब एक तरीके का उल्लंघन माना जाता है कि जहां पर आप कंपनी को बिना बताए हुए छुट्टी पर है, राइट? तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इस केस में कई बार कंपनी के पास ये राइट होता है कि वो आप पर डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बिना बताए कभी भी कंपनी से गायब ना हो। अगर आपको छुट्टियां एक्सटेंड करनी पड़ रही है, आप उनको ओवर ईमेल बता सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा, आप कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से बात करें, अपने मैनेजमेंट से बात करें, उनको ईमेल लिखें और जरूरत पड़ने पर फेस टू फेस इंटरेक्ट करें और अपनी प्रॉब्लम बताएं। मैनुअल मिस्टेक्स हैं, हो जाती हैं, मिलकर बात करेंगे तो शायद आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन भविष्य में हमेशा याद रखें, कभी भी छुट्टियां एक्सटेंड कर रहे हैं, हमेशा रिटन इंफॉर्मेशन कंपनी के पास पहुंचाएं, क्योंकि अगर आप लिखित तौर पर कंपनी को नहीं बताएंगे तो एक तरीके का ब्रीच माना जाएगा, एक तरीके का उल्लंघन माना जाएगा, और इस केस में कंपनी के पास पूरा राइट है किसी भी एम्प्लॉय के अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का, क्योंकि आप बिना बताए कंपनी से गायब है। आई होप मेरे इस आंसर से आपको क्लैरिटी मिली। थैंक यू सो मच।